ईद उल फितर की ईद भी 3 तारीख को ही आ रही है और बसवा जयंती भी 3 तारीख को ही जा रही है। ये जितने भी लीडर लोग, जितने भी मक्कार जो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं कर्नाटक स्टेट में क्या, हिंदुस्तान में क्या, अल्लाह ताला पूरे हिंदू मुस्लिम को मिला रहा है एक ही साथ में। आज 28 रोजा के दिन हमने इफ्तार पार्टी का इंतज़ाम नज़म रखा था, जगह जगह पर हिंदू लोग, हिंदू भाई लोग मुसलमान भाई को इफ्तार पार्टी करा रहे हैं और मुसलमान भाई हिंदू भाई को इफ्तार पार्टी करा रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में। यहाँ पर कर्नाटक स्टेट में हमनाबाद छोड़ दो, हमनाबाद में तो अलहमदुल्ला भाई दिन मजा हो गया, रामनवमी में ऐसे ही हो गया, अमेरिका जयंती में ऐसे हुआ। फिर अभी अल्लाह ताला किसी को भी अलग जुदा नहीं करना चाह रहा। ये लोग क्या करेंगे, कुछ लोग हैं अपने दाल रोटी के लिए, अपनी राजनीति के लिए। नॉलेज पार्क हाई स्कूल के HB कॉलोनी नियर उमर मस्जिद बसवा कल्याण। आयुर्वेदिक ग्लैमर शैम्पू विद कंडीशनर, इंडियन हेयर ऑयल एंड ऑल आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स अवेलेबल। आज 28 रोजा के दिन हमने इफ्तार पार्टी का इंतजाम नज़म रखा था स्टार फंक्शन हॉल में, फिर साथ ही साथ उसके खाने का भी नज़म रखा गया था। हमें सबसे बड़ी खुशी ये हुई कि हम कई सालों से कर रहे हैं इफ्तार पार्टी और खाने का इंतज़ाम, आज पहली मर्तबा देखने में आए कि ऐसी धूप में भी हज़ारों की तादाद में लोग आए। मुझे बहुत फख्र की बात है, हिंदू मुस्लिम सब भाई सब मिलकर आए। सुरेश सिंह जी साहब, सिद्धू पाटिल, शिवपुत्र मालगे, सुदर्शन मालगे, नारायण रामपुरे और कई वीरेश सिंह जी, राजकुमार, ऐसे कई लोग नामा लेते गया तो टाइम नहीं, बेहिसाब लोग आए। मुझे इतनी बहुत बड़ी खुशी हुई, सब तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, दिल के गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ उनको। और सबसे पहले मुझे फ़ख्र इस बात का है कि ईद उल फितर की ईद भी 3 तारीख को ही आ रही है और बसवा जयंती भी 3 तारीख को ही जा रही है। ये जितने भी लीडर लोग, जितने भी मक्कार जो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं कर्नाटक स्टेट में क्या, हिंदुस्तान में क्या, अल्लाह ताला पूरे हिंदू मुस्लिम को मिला रहा है एक ही साथ में। जो चंद लोग हैं जो हिंदू मुसलमान के भाईचारे को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनको क्या मैसेज देना चाहिए? देखो भाई साहब, हिंदुस्तान में कर्नाटक तो छोड़ दो, पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह पर हिंदू लोग, हिंदू भाई लोग मुसलमान भाई को इफ्तार पार्टी करा रहे हैं और मुसलमान भाई हिंदू भाई को इफ्तार पार्टी करा रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में। यहाँ पर कर्नाटक स्टेट में हमनाबाद तो छोड़ दो, हमनाबाद में तो अलहमदुल्ला भाई दिन मजा हो गया, रामनवमी में ऐसे ही हो गया, अमेरिका जयंती में ऐसे हुआ। फिर अभी अल्लाह ताला किसी को भी अलग जुदा नहीं करना चाह रहा। ये लोग क्या करेंगे, कुछ लोग हैं अपने दाल रोटी के लिए, अपनी राजनीति के लिए। फिर ये लोगों को कोई अभी कोई इनके पास इश्यू बचा नहीं, इनके पास क्या क्या था पूरा इश्यू ख़त्म हो गया, बाबरी मस्जिद ख़त्म हो गई, तिरुपति अल्लाह ख़त्म हो गया, NRC ख़त्म हो गया, NPR ख़त्म हो गया, CAA ख़त्म हो गया, उसके बाद हिजाब ख़त्म हो गया, फिर झटका काट हलाल काट वो ख़त्म हो गया, इनके पास कोई इशू नहीं अभी बचा। इनके पास इशू BJP वालों के पास एक ही बचा कि हिंदू मुस्लिम, इनको कोई अल्लाह ताला जुदा करना नहीं चाह रहा। अभी देखो लोग क्या चाह रहे थे, हम हिंदू मुस्लिम अलग होना चाहिए, तो अल्लाह ताला अलग नहीं कर रहा। अभी फ़िलहाल ईद उल फितर की ईद भी 3 तारीख को जा रही है, बसवा जयंती की ईद भी 3 तारीख को जा रही है, तो अल्लाह ताला सब हमारे साथ है, इनको कोई दुनिया की ताकत जुदा करना नहीं चाहती। खासकर हमनाबाद के भाईचारे को लेकर क्या मैसेज देना चाहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का इतना बड़ा करम है, लोग बाहर दूसरे एरिया से, दूसरे तालुकों से, दूसरे स्टेटों से हमनाबाद में रामनवमी का इतना बढ़िया प्रोग्राम हो गया, उसके साथ ही अमेरिका जयंती का हो गया, उसके साथ साथ अभी हम जो इफ्तार पार्टी का प्रोग्राम में बहुत बेस्ट मैसेज देना चाहते हैं कि पूरे हम हिंदू आपस में हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं। और क्या ये सब क्या एक भाईचारे के लिए कर रहे हैं, क्या नेकी के लिए कर रहे हैं, क्या कोई पॉलिटिक्स के लिए कर रहे हैं? हमें अल्लाह का फजल करम है, नेकी के लिए कर रहे हैं, भाईचारे के लिए कर रहे हैं। क्या हम देखने में आ रहा है कि रामनवमी में भी आप हज़ारों पानी भर के बॉटल बांटे, अम्बेडकर जयंती में भी पानी छाछ वगैरह वो बांटे और आज इफ्तार कराए, ये सब भाईचारे के लिए नेकी के काम के लिए कर रहे हैं, पॉलिटिक्स के लिए कर रहे हैं? ये हमारा काम जब से हम होश में आए जब से कर रहे हैं। सुने पहले दिखाते नहीं थे, पहले रियाकारी के नहीं करते थे, अभी सोशल मीडिया मास मीडिया फुल फास्ट हो गई, बच्चे बच्चे के हाथ में फोन आ गया, लोग क्योंकि इसलिए लोग क्या कर रहे हैं, हम नहीं भी बोले अभी हमको आपको हमने बोला है, फिर भी आप आके इंटरव्यू ले रहे हैं, क्यों बोले तुमको तुम देख रहे हैं कौन क्या कर रहा है क्या नहीं, क्योंकि हम
लोगों का मुंह नहीं मोड़ सकते, लोगों के आँखें मुँह जा सकते, बॉडी का मुँह मोड़ सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। पहले क्या हम ये हाथी देते हाथ मार में था, अभी क्या होगा सोशल मीडिया मास्ट मास्टर मीडिया हाईलाइट हो गया फुल। तो ये हम अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए कर रहे हैं, हम रियाकारी नहीं कर रहे। हमको हिंदू मुस्लिम भाई भाई रहना चाहिए बल्कि आपस में सब मिलकर रहना बल्कि ये कर रहे हैं। हमको कोई पॉलिटिशियन से कोई मतलब नहीं। अभी इलेक्शन बहुत दूर है, दिल्ली बहुत दूर है, अभी इलेक्शन जब आएंगे बताएंगे इंशाल्लाह। इलेक्शन में क्या करें, इलेक्शन के लेके से कोई इशू नहीं। ये हमारा ईद उल फितर या ईद मुबारक, फिर साथ ही साथ बसवा जयंती की ईद मुबारक, बसवा जयंती हब्बा था शुभ शकड़ो। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय हिंद, जय कर्नाटक, खुदा हाफिज़।